दंपतियों को सद्बुद्धि देना भगवान। तो ऐसे रखना, हम तो पहले से ही बुद्धिमान है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मजे कर रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और अभी हमारे घर पे ना जिन लोगों ने राखी बांधनी है, जिन लोगों ने राखी बंधवानी है, सब लोग सोए हुए हैं। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, पापा ने भी नहा लिया है, पापा दिया जलाने के लिए गए हैं, और मैंने नहा तो लिया पर मैंने फेस वॉश नहीं किया है, और बाथरूम में बेसन खत्म हो गया था, तो इसकी वजह से मैं बेसन और दही का पेस्ट बना के ले आई हूँ। अभी थोड़ा सा चेहरे को स्क्रब जैसा करके फिर उसके बाद वॉश करूँगी, और मैं फेस वॉश यूज़ कर रही ना, तो इसकी वजह से चेहरे पे बहुत सारे दाने होने लग गए मेरे। तो जब भी मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो उसके बाद से पता नहीं इस तरीके से दाने हो रहे हैं, और कई दिनों से मैंने बेसन यूज़ नहीं किया है तो इसीलिए दाने वगैरह हो रहे हैं। तो आजकल मुझे हैबिट हो गई है बेसन से ही मुँह धोने की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बेसन से अपना पहले फेस वॉश कर लेते हैं और उसके बाद ही सारे काम करूँगी। और अभी धैर्य भी सोया हुआ है तो आराम से मैंने नहा धो लिया है, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब करता है, तो अभी ये सोया है तो पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर धैर्य को भी उठाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे राखी बांधने के लिए। तो एक बार मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। आप में से कितने लोग बेसन से फेस वॉश करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वैसे फेस वॉश करने के लिए बेसन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रखा है ये वाला, जो जो थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ होता है ना, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उससे थोड़ा स्क्रब जैसा भी हो जाता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसे मैं थोड़ी देर ऐसी रखूँगी अपने फेस पे सूखने के लिए, उसके बाद ही जाके फेस वॉश करूँगी। और इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी वो थोड़ा सा दरदरा था, तो इसीलिए मैं उसको फटाफट से रब करके फिर उसके बाद फेस वॉश कर देती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार हुआ है। तो बेसन मैंने लगा लिया, अब चलते हैं किचन में, किचन के थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, और ये भी सूखता रहेगा क्योंकि इसके सूखने का तो इंतजार कर नहीं सकती मैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे बेसन का वो रखा है, आपने फेस पे लगा लेना है, थोड़ा सा लगाओगे थोड़ी ऐसी मल के धो लेना, तुरंत रखोगी नहीं तो। अब आ गई हूँ मैं किचन में, फटाफट से सब्जी चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जितने काम तो हो सकता है उतने तो निपटाते रहने चाहिए, सुबह तो जितना टाइम मिले ना उतना कम ही लगता है। तो सब्जी काट के रख दी थी पहले ही, तो सब्जी चढ़ा लेती हूँ पहले, और बाकी खीर वगैरह तो थोड़ी देर में ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी खाने में तो थोड़ा सा टाइम है, तो सब्जी वगैरह बन के तैयार हो भी जाती है तो इतना कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खीर जो है ना वो सूख जाती है फिर, तो इसलिए खीर तुरंत बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। तो आज त्यौहार है तो इसलिए पूरी बनेगा, और पूरी के साथ कद्दू की सब्जी हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब कद्दू की सब्जी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कभी भी मैं इसे बोर नहीं होती हूँ। और जब तक मैं सब्जी तड़ा रही हूँ, तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा प्लेट से हवा करके इसे सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये बेसन जल्दी से सूख जाए। तो मैंने कद्दू की सब्जी चढ़ा दी है, वही सिंपल सी रेसिपी है, ऐसा कोई ख़ास तो है नहीं इसमें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो सिंपल सी सब्ज़ी है, फटाफट से चढ़ा दी है मैंने जी। तो मैंने चढ़ा दिया और ये अभी भी नहीं सूखा है, तो मैं तो अपने सारे ही काम निपटा लेती हूँ जितने होते हैं, तो कपड़े वगैरह धो लेती हूँ और इन उस्ताद को उठाती, मैं अभी कमरा सही करती तो ये सोए हैं, और अभी ऐसे सोया है घोड़े बेच के, तो आज ये भी पूरे छुट्टी के फ़ायदे उठा रहा है। बाकी दिन ऑफिस वगैरह रहता है तो सब लोग टाइम पे उठ जाते हैं, तो आज छुट्टी है तो आज पूरे दिन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये भी अब जितना बड़ा हो रहा है तो उतना लेट लेट उठ रहा है, और जब छोटा था तो मतलब हमसे पहले उठ जाता था, कभी 4 बजे कभी 5 बजे तो ऐसे उठ जाता था ये, और अब इसके जल्दी उठने के दिन आ गए हैं तो अब सोए रहना पसंद करता है ये भी। तो मैं भी अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ एक बार। नंगू पतंगू बेटा, नंगू पतंगू, कपड़े भी धुल गए हैं और धैर्य भी उठ गया है। तो सुबह की पूजा करने के बाद हम लोग पूजा की थाली नीचे ही ले आते हैं टीका वगैरह लगाने के लिए, तो सब लोग नहा धो के उसके बाद यहीं पे टीका लगा लेते हैं, और जिसे भी पूजा करनी होती है तो वो मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर में जाके पूजा कर ली थी, लेकिन पिठिया की थाली यहीं नीचे ही थी, तो यही हम लोगों ने टीका लगा लिया है अपने माथे पे, और रक्षाबंधन है तो पिठिया की थाली की ज़रूरत तो है ही नीचे।
नहीं लगी मेरे को चोट, आप ही बताओ आप क्या पहनोगे आज नहा के? क्या पहनोगे? कुर्ता पजामा पहनोगे? पापा के लिए और आपके लिए मैं तुम्हारे लिए और धैर्य के लिए ब्लू कलर का वो निकाल देती हूँ ना कुर्ता पजामा। पापा के जैसे ब्लू कलर का कुर्ता पहनोगे ना बेटा? बेटा नहाने के लिए चलो, रहने दो, ये आपको नहलाऊंगा ठीक है। बेसन से नहाओगे आप? नहीं, बेसन आपका है। मेरा है, को लगाऊंगा मैं अब ठीक है। ये चलो फिर नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं। चलो ये दारू रेडी हो आप रक्षाबंधन के लिए? यस यस ऐसे करके। यस मम्मा, देखो पापा ने कैसे किया। यस थम करना, थम थम। बड़ा हो रहा है आपका तो पजामा, बड़ा हो रहा है। अच्छे से पहनाओ मेरे बाबा को, दोनों ब्लू ब्लू। चलो जय जय लगाएंगे, आओ फिर। चलो चलो चलो, कहाँ पे लगाते हैं जय जय? वो तो ममता चीनी डाल दी इसमें, चीनी डाल दी। ठीक है, तैयार होने जा रहे तुम? क्या किया खराब? अरे दादी ने यहाँ पे पा किया होगा ना आपको, दादी ने प्यारी किया होगा। हैप्पी रक्षाबंधन। ममता और दिया एक रील बनाएंगे और दिसु और जैनी सेम सेम ड्रेस वाले रील बनाना आज। चलो आ जाओ, चलो चल गोलू, चलो 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 चलो। धैरू बहुत मजा आ रहे हैं बेटा आपके। हैप्पी रक्षाबंधन। नाची करेगी हाँ, उसमें नहीं है। तू खुट्टी में जाए बोलो। ये कौन आया? ये आ गया राखी बांधने। मानोली, मानोली दी कट करने के लिए खिलाना। अच्छा अच्छा धैरो, इतना बड़ा मुंह कहाँ खोला बेटा? ये कौन आया? ये कान्हा, ये कान्हा, ये धैरो का भांजा आ गया। बैठो, खुश रहो, बैठो धैरो। चॉकलेट, थैंक यू बोलो। अरे खा गया। थैंक यू।
हाँ जी, क्या बनना है? झोली, चावल, पूरी, खीर, सब्जी। आपका हो गया राखी रोटी पूरा? हाँ हो गया। खीर मैं भी जा रही हूँ अपने मायके आज शाम। जाओ फिर, किसको बात रहे हो? सब्जी कहाँ है? सब्जी नीचे। क्या बना रही है सब्जी? हैं हमारे भी बदवाने वाले राखी। पापा मैं भी जा रही हूँ आज अपने मायके। हाँ फिर मैं तो नहीं जाऊँ। बस इनकी कार में जाने से तो अच्छा बस में ही जाने में ठीक है, उसमें जाने में तो और हालत खराब हो जाती है। दो चार दिन में आऊंगी फिर आराम से। हाँ जाते ही कौन आता है फिर मायके से भी। मम्मी को भी भेजो उनके मायके, मेरे को भी भेजो। जा रहे हम दो चले। फोटो ममता, तुमने कुछ खा लिया? कुछ खाए? मंदिर में खीर और पूरी चढ़ा दो ना। तो बाकी लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा मिठाई वगैरह तब भी टेस्ट कर ही लिया है, तो मुँह जूठा सबका हो ही गया है। और अभी तक हम लोगों ने मंदिर में भोग नहीं चढ़ाया है, तो ममता और मैंने ही अभी तक कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बिना खाए ही मंदिर के लिए भोग बनाना होता है। तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया था और ममता ने भी कुछ नहीं खाया है, तो इसीलिए मैंने ममता को ही बोल दिया था फटाफट से मंदिर में भोग लगा देंगे। और उसके बाद फिर ममता ने ब्रेकफास्ट करके जाना भी है ऑफ़िस के लिए, क्योंकि ममता के ऑफ़िस की छुट्टी नहीं है आज, तो इसीलिए हम लोग फटाफट से अभी काम ही करने में लगे हुए हैं। अभी तक हम लोग बस राखी का प्रोग्राम ही देखने में लगे हुए थे, तो सभी भाई बहन इकट्ठा हो गए थे आज, बड़े छोटे सभी इकट्ठा हो गए थे, तो इस वजह से किचन में आने का मन कर ही नहीं रहा था, सबके साथ बैठने का मन हो रहा था। ओ तो लाया किसके लिए? वो तो मेरे को भूखा लगी है, दे दो। थैंक यू। मेरे लिए मिठाई भी लाओ ना बेटा। यहाँ है मिठाई। तो खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और सबके लिए मैंने खाना भी लगा दिया है, तो हम लोग अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। उसके बाद मैंने मम्मी लोगों को कॉल भी करना है। हैप्पी राखी मम्मी, हैप्पी राखी दीदी, हैप्पी राखी डुगू, हेमु अभी उठाई नहीं थी फोन, दद्दा को भी लगाया मैंने, दद्दा भी कहाँ उठा रहा होगा, आज उसकी छुट्टी कल ही थी, आज है नहीं उसकी छुट्टी, ड्यूटी पे होगा। हाँ डुगी, डुगी ने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ। डुगी ओके बोल दो, ओके बोलो। ओचा ओचा, हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइज। मम्मी त्योहार बना लिया तूने? त्योहार बना के खा भी लिया है, रसगुल्ले बनाए थे, सब निपट गए हैं। हम कल रात सोच रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, फिर रात को 10 बजे से फिर कितना टाइम लग जाता वो, फिर हिम्मत ही नहीं आई, मैंने कहा सुबह जल्दी उठना भी है, रहने दो दिन में देखेंगे। आप देखेंगे दिन में भी धूप हो जाती ना उमस जैसी, तो तब मन ही नहीं करता है कुछ करने का, किचन में जाने का। ये देखो हमारे मायके का मंदिर, ये देख। सबके पतियों को सद्बुद्धि देना, बस सबके पतियों को सद्बुद्धि देना भगवान। हम तो पहले से ही बुद्धिमान है, हम पहले से ही बुद्धिमान है। तो चाहो आई लव यू वाल चॉकलेट कत्ता काल भेज रहा? 3 ही महीने है रे तेरी शादी के, अब पैसे इकट्ठा करने लग जा।
दिल का कोचा कोच कर रहा है। हाँ। उसकी मेहंदी का रंग तो देख अब और ही गहरा लग रहा है, कह रही हूँ। मेहंदी का रंग आजकल और ज्यादा गहरा होने लग गया है भाई। कावेरी लग जाती है बस। मेरी मेहंदी के कलर से पता चलता है कि मेरे वाला जान देता है। जान देता है। इसके डायलॉग याद हो रहे थे, देख रही है।